भारतीय जनता पार्टी से रीवा महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा कार्यालय से पैदल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां महापौर सहित कई वार्ड प्रत्याशियों ने भी पर्चा दाखिल किया। इस दौरान रीवा विधायक, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला अध्यक्ष अजय सिंह साथ रहे। महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने कहा कि जीत निश्चित है और जीत के बाद विकास के कार्य करना ही मुख्य मुद्दा है। वहीं पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने कहा, महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। रीवा के लोगों ने विकास देखा है और वह विकास चाहते हैं, इसके लिए भाजपा के ही महापौर को विजयी बनाएंगे। ये मुद्दे तो हमेशा एक ही रहते हैं, आम नागरिक के जो मुद्दे हैं वही जनप्रतिनिधियों के मुद्दे होते हैं। नगर निगम से जुड़े मुद्दे, प्रकाश व्यवस्था, नाली, सड़क, कचरा, इन सब के निदान के जो समस्याएं रहती हैं उन मुद्दों से जुड़ी हुई, और योजनाओं का क्रियान्वयन, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, यही मुद्दे रहते हैं। मैं भी उन्हीं में जो काम रुका है या कुछ कम हुआ है उनको पूर्ण करने का प्रयास करूँगा।